प्रदेश के अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम और महिला विधायक मुक्ता राजा नजर आ रही हैं। वीडियो में स्टेज पर बैठे रहने के दौरान गौतम को महिला विधायक के कंधे पर हाथ रखते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया है। इस हरकत से विधायक असहज महसूस करने लगी, जिससे उन्हें अपनी सीट बदलनी पड़ी और मंच पर कहीं और जाकर बैठना पड़ा। 25 सितंबर को हुई ये घटना अब तूल पकड़ रही है। हालांकि वीडियो की प्रामाणिकता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये घटना कोल विधायक अनिल पराशर द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में श्री राम वेंकट हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई। स्टेज पर मंत्री समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं। घटना में पीड़ित महिला विधायक भी उपस्थित लोगों में शामिल थीं। इस घटना के दौरान बरौली के बीजेपी विधायक ठाकुर जयवीर सिंह गौतम की हरकतों पर ध्यान देते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस अश्लील हरकत को लेकर बीजेपी नेता की खूब आलोचना की। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ये संस्कारी बीजेपी की हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी 20 से 30 प्रतिशत सीट पर महिला प्रत्याशी उतारकर विरोधियों को कड़ा जवाब देने की टक्कर में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद की इस करतूत ने पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार है जो महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े बड़े दावे करती आई है, लेकिन इस वीडियो को देख के पता चल रहा है कि महिलाएं खुद ही अपनी पार्टी के अंदर ही अपने ही सांसदों के बीच में असुरक्षित महसूस करती हैं। अब सवाल ये है कि क्या महिलाओं का बीजेपी पर भरोसा कायम रहेगा या नहीं।